बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज मैं जिंगर बर्गर बनाने लगी हूँ, जिसमें मैंने बोनलेस चिकन जो है वो लिया, हाफ 1 kg लिया है, और इसमें जो मसाले जाएंगे तो ये मैंने धनिया ले लिया है, और प्याज ले लिए, ग्रीन प्याज ले लिया है, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी जो है इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो इस तरह मैंने ये सारा जो है कीमा जो है बना लिया, इसका मसाले मैंने सारे इसी में डाल लिए, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। इस तरह इनको हम हाथ से मसल लेंगे, इसको अच्छे से मैच कर लेंगे कि सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो है लाल मिर्चों का पाउडर है 1.5 teaspoon, और 1 teaspoon जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें, और काला नमक है तकरीबन 1/2 teaspoon है, और नॉर्मल नमक जो है वो 1 teaspoon है, गरम मसाला कुटा हुआ जो है वो 1 teaspoon है, मेथी है खुश्क मेथी, और खुश्क धनिया दो तकरीबन 1.5 teaspoon है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल के अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करके तो फिर हम इसके जो है कबाब बनाएंगे। मसाला हमारा अच्छे से जो है वो मिक्स हो गया। तो ये हमने इसके कबाब जो है वो बनाए हैं, मैं 2-3 shape में बनाऊंगी, क्योंकि हमने घर पे तैयार करने हैं तो घर पे चीज़ अच्छे से तैयार हो जाती है जिस तरह आपका दिल करे। 2 eggs मैंने ले लिए, इसमें मैंने 1/2 teaspoon जो है वो नमक शामिल किया, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हमने अपनी ग्रिल जो है वो रख ली है, इसमें हम तकरीबन 1 teaspoon जो है वो ऑयल डालेंगे, हमने सिर्फ इसको ग्रीस करना है, और इसको अच्छे से हमने ब्रश की मदद से इसको सारे पे लगाना है ताकि अच्छे से ग्रीस हो जाए, और इनको इस तरह हमने एग में डिप करके तो इसको लगाना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आप चाहें। तो अगर कबाब पूरा यानी कि हमने लंबे साइज़ में बनाया है तो इसके हम 2 या 3 pieces जो है वो कर सकते हैं, हमारे बर्गर का जितना लंबाई है जितना साइज़ है उसका, तो छोटे भी बनाएं बड़े भी बना सकते हैं। तो अब हमारे माशाल्लाह अच्छे से रेडी हो गए। इस तरह हमने कुछ छोटे साइज़ के और कुछ बड़े साइज़ के बना लिए, तो जो सी शेप आपको पसंद आए वो आप अपनी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बर्गर जो हैं वो लंबे वाले हैं, तो उसमें अगर लंबा कबाब हो तो हमें जो है वो उसको मैच नहीं करना पड़ता है। वो
माशाल्लाह हमारा एक बाप देखें इसकी रंगत कितनी प्यारी आ गई है। तो अब हम इसको उतारते हैं। ये हमने बर्गर ले लिए, मैं एग यूज़ नहीं करूँगी। इसको कटर की मदद से हम काट लेंगे। इसके तीन पीस हुए हैं और कुछ हम दूसरे कबाब जो है वो सर्व कर लेंगे।